ठीक है तो आज का हमारा क्लास होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड वी विल स्टडी दिस टुडे सो व्हाट आर सेक्स लिंक दिस आर या दिस दिस डिस्कसेस द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ओके दिस डिस्कसेस The inheritance mechanism of the genes located on the X chromosome. Okay, so please remember. So please remember only X chromosome, not sex chromosome. Sounds real? तो इसलिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो ये बहुत क्लियरली आपको समझना चाहिए दिस इनहेरिटेंस ऑफ़ द जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम ठीक है ओनली <coughs> वो भी लिख देते हैं ताकि और भी रिजिड हो जाएंगे हम लोग ओनली ना इन ह्यूम तो हम लोग पहले ह्यूमस का बात कर लेते हैं In, in humans, there are two sex chromosomes, okay, X and Y. Okay, so in human females, the, geno, yeah, the genetic कॉम्प्लीमेंट इज क्या तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट इज ए ए प्लस एक्स एक्स एंड इन द दिल्स एट इज ए ए प्लस एक्स वाई ठीक है तो आपका ए ए प्लस एक्स एक्स एंड ए ए प्लस एक्स वाई तो इसीलिए आप क्या देख रहे हो कि जो फीमेल है उसके पास दो क्रोमोज़ोम है जबकि मेल के पास एक ही क्रोमोज़ोम होता है कंसेप्टीमेलिमेंट इज ए एक्स एक्स एंड इन द मेल्स इट इज एक्स वाई फाइन नेक्स्ट पॉइंट सो फॉर ए जीन टू express in males okay for uh, such a gene for such a gene to extend in male there is only what one X chromosome so whichever

अलील इज प्रेजेंट ऑन इट विल एक्सप्रेस ठीक है तो अगर रिसेसिव अलील है वो भी एक्सप्रेस करेगा एंड अगर डोमिनेंट अलील है तो वो भी एक्सप्रेस करेगा देर फोर ओके सो फॉर ए डोमिनेट सेक्स लिंक्ड जीन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज क्या बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन माने जब एक मेल गैमिट बनाएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा गेस okay. करो प्रोबेबिलिटी का मतलब कितने बार एक्सप्रेस करेगा कहीं तुम जान कि मेल रोटे ही एक्स जीन अच्छी तो जो आएगा वो एक्सप्रेस करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये है। so, तो मैथ्स का क्वेश्चन है तो मेल फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वेरी गुड क्यों क्योंकि उसका एक आइदर एक्स जाएगा या वाई जाएगा है कि नहीं तो अगर एक्स जाएगा yes, तो वो गारंटेड एक्सप्रेस करेगा की बिकॉज मेल को मेल को अगर एक्स मिलता है तो उसको डिजीज होगा अगर उसको वाई मिलता है तो उसको डिजीज नहीं होगा तो बुझ तो सही पे फॉर ए डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड जीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज वन बाई टू ओके एज जीरो पॉइंट फाइव या ब्रैकेट रे वन बाई टू ठीक है जी इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग कॉम पाय सिमिलरली सिमिलरली क्या

तो इसीलिए मे जो इन मेल्स द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज जीरो पॉइंट फाइव ठीक है जी नाउ ये सब आपको एक्सप्लेन करना होता है इन ह्यूमन फीमेल्स इन ह्यूमन फीमेल्स तो क्या है इन ह्यूमन फीमेल्स दर आर टू एक्स क्रोमो जो अरे हाँ इसका एक पॉइंट लिखना पड़ेगा ओके एटे रेड पॉइंट एक्चुअली हमको लिखे रह इसलिए इस कंडीशन इस, इस को क्या कहते हैं ओके दिस कंडीशन ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोजोम मेल में तो वन एक्स या वन वाई होता है तो दोनों के केस में मेल क्या होता है हेमीजाइगस होता है सो दिस कंडीशन ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोजोम इज रेफर्ड टू एज हेमीजाइगस कंडीशन ओके मतलब जो भी आली लाएगा वो एक्सप्रेस करेगा तो मेल जो है वो एक्स के लिए भी हेमीजाइगस है वाई के लिए भी हेमीजाइगस है वन बाई टू ऑप्शन बट फीमेल में क्या होता है दो एक्सक्रोमोजोम होता है इन फीमेल देर आर टू एक्सक्रोमोजोम सो ओके

अगर आपका कैपे कैपे है तो भी एक्सप्रेस करेगा अगर आपका कैपे स्मोल है तो भी एक्सप्रेस करेगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ फोर टाइम इट विल एक्सप्रेस तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो ये जीरो पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स एक्सप्रेस करेगा तो इन ह्यूमन फीमेल्स सो फॉर अ डोमिनेंट जीन Probability of expression is comma, similarly, for a recessive. Sex gene probability of sex expression kya ho jayega 1 by 1 by 4 ए रिसे क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट तो समझ में आया तो ये आपका कंसेप्ट है तो इसीलिए अब हम रेड पॉइंट लिखेंगे सो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड ट्रेड इज मोर इन किसमें बोले, किस में ज्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन सर मेल में बोलो वो तो मुझे मालूम नहीं फीमेल में फीमेल में क्योंकि वो थ्री बाई फोर टाइम्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए डोमिनेंट सेक्सलिंग ट्रेड इज मोर इन फीमेल वेरे द प्रोबेबिलिटी ऑफ

तो दैट इज वाई जो डोमिनेंट ट्रेट है तो वो फीमेल में ज्यादा एक्सप्रेस करेगा एंड अगर रिसेसिव में ट्रेट है तो वो मेल में ज्यादा एक्सप्रेस करेगा अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट नोन सेक्स लिंक्ड ट्रेट या डिजीजेस इ क्या हिमोफिलिया एंड ब्लाइंडनेस आर कौन रिसेसिव आर रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीजेस सो मोर कॉमन इन मेल्स ठीक है तो जो मेनली दो रिसेसिव डिजीज हम जानते हैं वो है हिमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो आप लोग पढ़ते हो स्कूल्स में एंड दोनों ही रिसेसिव है इसलिए दोनों का आकरेंस किस में है मेल में ज्यादा है एंड फीमेल में कम है हला, तो लेखिया पे पड़ी बो बल्ले इसीलिए इसको आपको इतना लिखेंगे अब आप उसके बारे में बात कर सकते हैं तो नाउ इसलिए अभी हम लोग पहला डिजीज के बारे में बात करेंगे द फर्स्ट डिजीज इज कॉल्ड वट द फर्स्ट डिजीज हम लोग पढ़ेंगे इज हिमोफिलिया ओके एच ओ पी एच आई एल आई ए हिमोफिलिया या ब्लीडिंग डिजॉर्डर ठीक है हीमोफिलिया या ब्लीडिंग डिजॉर्डर नाउ द ब्लीडिंग डिजॉर्डर में द फर्स्ट रिटर्न एविडेंस ऑफ द फर्स्ट रिटर्न एविडेंस

okay so in the first written evidence of hemophilia is seen in the jewish religious okay jewish religious book talmud where it is written that families which have lost one or more sons to the religious rituals, okay, to the religious ritual of circumcision. Okay, so where it is written that families which have lost one or more sons to the religious ritual of circumcision uh, are allowed by religion, are allowed by religion to not bring any more sons to this ceremony. समझ ना सो एक्चुअली सर्कमसिजन डू यू नो व्हाट इज सर्कमसिजन तो एक्चुअली you know तो इसको हम लोग जेनाइटल म्यूटिलेशन कहते हैं समझ रहे हो तो मेल में क्या किया जाता है जो प्रिप्यूस है उसको ब्लेड से काट देते हैं ओके एंड फीमेल में क्या होता है वो क्लाइटोरिस को काट देते हैं फाइन तो इट इज वेरी वेरी पेनफुल इसको जेनाइटल म्यूटेशनल म्यूटिलेशन बोला जाता है तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लीडिंग होगा और से माटी वाटी दे की दे दे। तो धीरे धीरे वो ब्लीडिंग रुक के वो ठीक हो जाता है किसी-किसी में देखा गया है कि पीपल डाइट ओके दिस वाज बिकॉज देयर Earlier boys died by excessive non-stop bleeding during the ritual. ठीक है तो इसलिए इस तो हिमोफिलिया का जो जिक्र है सबसे पहले तालमुद में किया गया है ठीक है जी now this gene is okay this gene is located in the cat yeah, this gene is located on the sorry on the x chromosome okay this gene is located on the x chromosome And they code for blood clotting factors, okay? In dominant state. तो so, अगर वो जीन dominant है, तो वो blood clotting factors के लिए code करता है। If The male uh, in the male sorry okay in the male since there is a single chromo single chromosome okay since in the male there is a single there is a single x chromosome. क्या होगा इन द मेल सिंस देर इज ए सिंगल एक्स क्रोमोजोम इफ डोमिनेंट एलील इज रिपोर्टेड ही सर्वाइव ओके तो इफ ही इफ डोमिनेंट इज रिपोर्टेड ही सर्वाइव क्लियर तो ही सरवाइव्स फुल स्टॉप If recessive okay, if recessive allele is reported to hoga the blood clotting factor is not produced, comma resulting in kya? Uh, excessive. फ्रम इवेंट ए स्मॉल स्क्रैच और हाँ बोलो सर आत्मन इज इन वेटिंग रूम आई बिकॉज़ यू विल नॉट जॉइन आफ्टर टेन मिनट्स अभी तो सत्ताईस मिनट हो गया है ठीक है

नेक्स्ट पॉइंट इन फीमेल्स इन फीमेल देर आर टू एक्स क्रोमोजोम आप लोग को विद इन टेन मिनट ज्वाइन करना है और ट्यूशन में तो वो फाइव मिनट्स है वो तो स्कूल में आई एम फोर्स टू अलाउ एन

मोफिलिया इन फीमेल इज वन बाई फोर और इसलिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिमोफिलिया इन फीमेल्स इज वन बाई फोर और लेस देन दैट इन फीमेल्स तो इसलिए अगर एक लड़की को हिमोफिलिया होना है तो वो मुश्किल है एक्चुअली वन बाई फोर उसका प्रोडिक्टिबिलिटी होना चाहिए नाउ हिमोफिलिया फिर अलग अलग टाइप्स का है ओके तो हिमोफिलिया टाइप्स ठीक है करके हम लोग एक टेबल बनाएंगे वी हैव मिनट्स चलो तो आई विल मेक अ बिग टेबल ओके क्योंकि ट्यूशन में आपको और ज्यादा सीरियस होना है तुम लोग नॉन सीरियस होते हो इसलिए तो मैं क्लास करने का मेरे को इच्छा ही नहीं है तुम्हारा क्लास लेने का एक्चुअली आई साइलेंट आपको सौ बार बोलने के बाद भी आप इनडिसिप्लिन हो कल मैंने आज जब आ, आपका जो अभी इस पूरा हफ्ते जो इवनिंग क्लासेस होगा वो मॉर्न क्लास होगा And I will not talk at all. I will just write. Uh, you can ask Surya Didi, who is there. We had practiced yesterday. Please guide them, Surya. How you enjoyed the morning? Yes, class. sir. Totally for, uh, totally for 10 minutes, he was silent. And I got to know the first that he was making us understand how it feels like when we keep silence and he used to continuously ask us questions. We felt very bad. We asked sorry. Still, then we'll be punished. तो इसलिए हाँ ये लोग का भी आज, ये हफ्ता पूरा जे, जे, सिंस ये राम लला का वीक है द राम लला तो इसलिए ये पूरा हफ्ता मैं मौन व्रत करूँगा ओके तो इवन स्कूल में भी ट्वेल्थ के क्लास में करूंगा इलेवेंथ वाले अच्छे बच्चे हैं तो इसलिए आई एम टॉकिंग वाला वो मौन एफ वन क्लास ट्वेल्थ एफ वन वो पूरा इस साल हफ्ते पूरा मौन होगा तो तुम लोग का भी ये जो हफ्ता होगा पूरा मौन क्लास होगा मान मु किछ कहि नहीं खाली लेखिबी है ना ओके सत्या व्हाट यू से विल टॉक सर नहीं नहीं यू विल टॉक तो आप उसका कोई स्कोप ही नहीं है ना आपका गलती करने का जो लिमिट खत्म हो चुका है तो इसलिए आप ये पूरा हफ्ता मॉन क्लास करेंगे एंड डैडी मम्मी को भी उस क्लास में बिठा ना उनको भी पता चलना चाहिए कि हाउ ब्यूटीफुल मौन क्लासेस ठीक है चलिए तो डिजीज दैट इज योर सेक्स लिंक्ड कौन कौन से डिजीज हम पढ़ेंगे उसके बाद ओके सो नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे डेफिशिएंसी ओके okay, मैंने इसमें क्या गड़बड़ होता है सो सेक्स लिंक डिजीज उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ क्या द जीन ओके डेफिशिएंसी ऑफ द जीन तो इसीलिए आपका जो अलग अलग टॉपिक्स है इसमें आपका आ जाएगा क्या तीन तरह का हीमोफिलिया है एक एक क्लासिकल हीफिलिया या ए एमोफिलिया बी ओके उस तरह से तो अब इसमें हम लोग कुछ जानेंगे एक्चुअली कौन सा डेफिशिएंट होता है विच फैक्टर या डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर लिख लेंगे जीन प्रोडक्ट जीन प्रोडक्ट और क्या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्योंकि तुम्हारे जो मौन तुम लोग खासकर जब मौन रहते हो तो मुझे और गुस्सा आता है स्कूल में तो क्या है चलो वो दे स्कूल अपना देखेगा हमारा क्या है तुम लोग चुप रहने से मैं और ज्यादा गुस्सा मुझे होता है ठीक है तो इसीलिए ये इस हफ्ते हम लोग मत समीक्षा ही कहला सर अपना मौन क्लास करंतु तो लाइक दैट तो अब उसमें हम रिमार्क्स लिखेंगे लास्ट कॉलम में सर उत, उसमें इतना सीरियस हो गए हैं कि कुछ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा वहां पे सर है या फिर कोई और है नहीं मैं तो सब, सब तुम लोग कल मुझे सिखाए एक्चुअली कि चैटिंग हो सकता है तो मैं इन लोग का जब क्लास करूंगा चैट और सब डिसेबल कर दूंगा हाँ और okay. सर आपका वो जो वॉइस भी म्यूट करवा देंगे आप कुछ हाँ, बोल हाँ. भी नहीं सकते हो वहां पे. बस एवरीथिंग विल बी साइलेंट जस्ट लाइक दैट फिल्म विच वॉज शॉर्ट बाई कमल हसन ओके okay, कामलासन का एक मूवी है आप जानते हो कि नहीं वो पूरा साइलेंट मूवी है बट उसमें एक सेकंड भी आप चुप नहीं रह सकते इतना हंसते हैं उसमें तो जरा देखो इतना बोलने के बाद भी ये लोग चुप है <laughs> अब क्या इन लोगों को बोलूंगा सर आपको सीरियसली हमारा पिछले वीक में कम बोला वाला लगा नहीं बहुत आप बोल रहे हो यार इतना बोलना अच्छी बात थोड़ी है ये हेल्दी है अब आप आप यू सी सार्थक एंड आत्मन जो लोग अभी कर रहे हैं क्लास स्पेशल क्लासेस एंड मेरे चक्कर में तो और भी बच्चे घुस गए उसमें ये प्रत्युष राउत घुस गया है ए सेक्शन में आओ आमर जो आज एक तो लड़की घुसी है कौन वो जो नई लड़की है घुसी है एफ वन में तो निशी ऐसा कुछ है तो अभी हमारे ट्यूशन के बहुत बच्चे ए सेक्शन में घुस गए हैं ओके तो एंड क्यों मजा आ रहा है उसमें बहुत बातचीत हो रही है बट तुम लोग तो साइलेंट बच्चे हो यू आर रिच चिल्ड्रेन ओके चलो इसलिए अभी जो ट्यूशन क्लास है ना मम्मी को भी बिठाना कि देखो डैडी मॉन क्लास कितने होता है आप देखिए ठीक है तो लेट देम आल्सो एंजॉय फन ऑफ मॉन क्लासेस ये ये हफ्ता पूरा होगा इसलिए आप उसका कुछ कर नहीं सकते तो आई ऑलरेडी डिसाइडेड ये तो केवी पाई क्लास था चलो मैंने बोला कि चलो बोल देते हैं नाव तो इसमें सबसे पहला जो डिजीज है उसको हम कहते हैं क्लासिकल हीमो क्लासिकल ही फाइन तो ये आपका क्लासिकल हीमोफिलिया है और उसको हम लोग कहते हैं हीमोफिलिया ए 99 पर 95 परसेंट तो तुम लोग चुप रहते हो कौन तुम्हारे क्लास में बोलता है एक तुम बोलते हो आद्या एंड uh, बहुत ज्यादा झटकने से सर से सार्थक बोलता है और थोड़ा कम झटकने से आत्मन बोलता है अदर देन दैट कोई तो बोला ही नहीं आयुषी बिचारी बोलती है उसका माइक खराब है तो उसको मैं माफ किया हूँ आई हैव फर हर बट रेस्ट आई हैव नॉट फर तो इसीलिए तो दैट इज अ कंसेप्ट तो क्लासिकल हीफिलिया और इसको हम लोग हेमोफिलिया ए बोलते हैं तो उसको हिमोफिलिया uh, ए बोला जाता है तो चलो कॉमन नेम तो मैंने इधर इसको इधर लिखना था एक्चुअली हिमोफिलिया ए मैं वही सोचा कितना छोटा क्यों हो गया एटीन चौड़ीवा फाइन क्लासिकल हीमिया तो इसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं तो so, इधर हम उसको बोलते हैं हेमोफिलिया

फैक्टर एंटी ह्यूमोफिलिक फैक्टर ए माने सत्य इज ऑल ऑफ यर एविडेंस सत्य भी बैठा है इधर आत्मन भी बैठा है प्राची भी है वो अभी आई है कि नहीं पता नहीं देर एविडेंस यू नो एक्चुअली मैंने मुझे सबसे अच्छा लगता है ऑनेस्टली टू टेक इन प्राइम इलेवन तापर इलेवन एफ वन ये लोग बोलते रहते हैं तो मैंने ट्यूशन कथा जी कोई बनी इट फील्स आपको समझ में नहीं आएगा चलिए तो वो इसलिए मैं जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा मुझे, मैं भी रिपब्लिक भारत जैसा ठान लिया चलिए इससे जब तक आप लोग सब नहीं बोलेंगे आज मैंने डिसीजन चेंज कर लिया है सूर्या के मिसबिहेवियर के कारण पूछते हैं हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। तो अब इट विल बी टिल यू टॉक आई विल टेक मॉन क्लास चलिए हो गया सो so, आप डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर एट और ह्यूमानी हिमोफिलिया ए तो रिमार्क्स क्या है इट इज सीन इन एटी परसेंट ब्लीडिंग केसेस ठीक है तो आपका जो हिमोफिलिया ए है वो 80 परसेंट ब्लीडिंग केसेस में देखा गया है फाइन सो इट इज सीन इन एटी परसेंट ब्लीडिंग केसेस एंड क्या इट इज ए रिसेज ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिस अंडरस्टंड इसका मतलब क्या है ये मोर कॉमन इन मेल्स है तो आप एट ही पढ़ा सिवा टाइप नंबर टू ठीक है तो सेकेंड टाइप क्या होगा आपका सो so उसको हम लोग कहते हैं हिमोफिलिया बी uh, या yeah, उसको हम लोग कहते हैं क्या क्रिसमस डिजीज ये क्रिसमस में होता है है कि नहीं सो दिस इज क्रिसमस डिजीज फाइन सो दिस इज क्रिसमस डिजीज ये क्रिसमस में नहीं होता है एक्चुअली सो so, Uh, इसको हम लोग हीमोफिलिया बी कहते हैं दिस इज हिमोफिलिया बी ठीक है तो so, यह हिमोफिलिया बी है एंड उसके बाद इधर क्या लिखेंगे हम लोग हिमोफिलिया बी तो so, इधर लिखिए डेफिशियंसी डेफिशियंस हाँ ऑफ क्रिसमस फैक्टर और फैक्टर नाइन ठीक है तो उसका डेफिशिएंसी होता है ठीक है जी तो इसीलिए अब वो क्यों होता है भैया कॉपी इधर करेंगे पेस्ट फाइन तो इट इज सीन इन ट्वेंटी परसेंट केसेस ओके इट इज सीन इन ट्वेंटी परसेंट केसेस एंड इट इज ऑल्सो ए रिसेसिव सेक्सलिंग डिसऑर्डर ठीक है तो ये भी रिसेसिव सेक्सलिंग डेक्टर क्यों बोलते हैं? उसका नाम रखा गया है एक्चुअली पहले से जो फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है ओके okay? तो अब वो मेरे को भी अभी ध्यान नहीं आ रहा कि क्यों बोला जाता है चलिए अब उसका थर्ड नेम जो है दैट इज योर रेयर